भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर और भारत की प्राचीनतम नगरियों में एक नगरी उज्जैनी में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो गई। ये उज्जैन ऐसा नगर है जिसमें कि मेरी पुरानी बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी और मुझे याद है शायद 30-35 साल पहले कभी कभी मैं आता था तो यहां पर एक एक सप्ताह 15-15 दिनों तक रहता था। यहां की उज्जैन की गलियों से मैं बहुत पूरी तरह वाकिफ भी हूं। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सचमुच में भारत गांवों का देश है और गांव में जो पारंपरिक चिकित्सा की व्यवस्था है वो आज भी आयुर्वेदिक है। इसका विकल्प अभी भी किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति ने इसका अल्टरनेटिव या इसका स्थान जो है अभी तक ले नहीं पाई। आज जब मैं सुन रहा था हमारे दो राजनेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय, ये दोनों राजनेता जमीन से जुड़े हुए ग्रामीण परिवेश से निकले और उन्होंने देखा है, अपनी अपनी बातों का अनुभव का आप सबके साथ उल्लेख किया और ये बात सच है। अब यदि मैं उसमें जाऊंगा तो मैं भी अपना उल्लेख करूंगा लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो कई चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज भी इस सभागार में कुछ आयुर्वेदाचार्य वैद्य बैठे हुए हैं जिनसे मैं राष्ट्रपति भवन में मैं परामर्श लेता रहता हूं। मंच पर भी हैं और इस सभागार में भी हैं। मैडम मुस्करा रही हैं। अवंतिका प्रतिकल्पा और अमरावती जैसे पौराणिक नामों को धारण करने वाली ये नगरी योग वेदांत पर्व उत्सव धर्म दर्शन कला साहित्य और आयुर्वेद ज्योतिष की नगरी है। यह नगरी कृष्ण और सुदामा को शिक्षा देने वाले महर्षि संदीपनी के गुरुकुल की नगरी है। यह भूमि भूत भावन भगवान महाकाल मंगलकारी भगवान मंगलनाथ योगी मत्स्येंद्रनाथ सम्राट विक्रमादित्य महाकवि कालिदास महाकवि भास और भवभूति आदि जैसी अनेक महान विभूतियों की भूमि है। इसके साथ ही ये प्रकांड ज्योतिषविद साहित्यकार और स्वाधीनता सेनानी पंडित सूर्य नारायण व्यास की जन्मभूमि भी है। भारत के गौरव सम्राट विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास की यशो गाथा को अमर बनाने वाले विक्रम विश्वविद्यालय विक्रम कीर्ति मंदिर कालिदास परिषद और कालिदास समारोह की प्रेरक शक्ति के रूप में वे हम सबके आदर के पात्र हैं। ऐसी पुण्य और पावन भूमि उज्जैन को उज्जैन की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं। मित्रों मुझे बताया गया है कि आज से लगभग 115 वर्ष पहले 1907 में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित कुंभ नगरी नासिक में की गई थी। आज पवित्र छिप्रा नदी के किनारे स्थित एक अन्य कुंभ नगरी उज्जैन में इसका 59वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस सुखद संयोग के परिणाम देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी होंगे इस विश्वास के साथ महासम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए गौरव का विषय है। हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर को लोकप्रिय बनाने के लिए
कार्यरत इस संस्था की स्थापना एवं विस्तार में श्री शंकरदाजी पदे महामना मदन मोहन मालवीय कोची नरेश श्री राम वर्मा और श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा जैसे मनुष्यों ने अपने अपना अमूल्य योगदान दिया है। महासम्मेलन को मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह और श्री प्रणब मुखर्जी तथा यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक महानुभावों का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि अपने स्थापना काल से ही यह महासम्मेलन आयुर्वेद विज्ञान को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए कार्य करता रहा है। संस्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। मुझे बताया गया है कि श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा सहित अनेक आयुर्वेद विद्वानों ने विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानकर गौरव होता है कि वर्तमान में मॉरिशस सहित विश्व के लगभग 20 देशों में आयुर्वेद में अनुसंधान किया जा रहा है। भारत सरकार ने समय समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु वर्ष 2014 में पृथक आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद इस कार्य में और भी तेजी आई है। भारत सरकार से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आदि संस्थाओं द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए। इसके लिए मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को बधाई देता हूं। देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने योग एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सदैव विशेष रुचि प्रदर्शित की। इस सम्मेलन के आयोजन में और शासकीय धनवंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के आधुनिक भवन के निर्माण में भी प्रदेश सरकार का पूरा योगदान रहा है। कल भोपाल में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से किए जा रहे इन सभी प्रयासों को देखकर यह विश्वास मजबूत होता है कि राज्य में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चिकित्सा सुविधाओं को मध्य प्रदेश में लगातार संपन्न मिलता रहेगा और यह प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी पसंदीदा गंतव्य बनेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भी राजनेता अपने उद्बोधन के दौरान बहुत सारी चीजों को स्वेच्छा से स्वीकृत करना और आपसे पूछना कि आपको क्या जरूरत है, वो चाहते हैं कि प्रदेश में आयुर्वेद का एक गंतव्य, एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए बहुत कम राजनेताओं में बात होती है और उसको उन्होंने पूछा। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के वाकई में मध्य प्रदेश को एक इंडिया का एक आयुर्वेद सेंटर यदि स्थापित करने में मदद करें तो उसमें उसका क्रेडिट आपको भी जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार को भी जाएगा। देवी और सज्जनों, विश्व भर में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु आयुर्वेद इन सबसे अलग है। आयुर्वेद का अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ, अर्थात आयु का विज्ञान। विश्व में प्रचलित अनेक चिकित्सा पद्धतियों के साथ पैथी शब्द जुड़ा होता है। पैथी अर्थात रोग हो जाने पर उसका उपचार करने की पद्धति, परंतु आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ अर्थात रोग के उपचार के साथ साथ रोग निवारण पर भी बल दिया जाता है। रोग का मूल कारण उसको ढूंढ करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सर्वहितकारी आयुर्वेद का परंपरागत ज्ञान हमारे पास है, यह हम सबका सौभाग्य है। परंतु आज का समय
शोध और अनुसंधान का, प्रमाणन का और गुणवत्ता का समय है। यह समय आयुर्वेद के ज्ञान को अधिकाधिक गहराई से समझने, वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर खरा उतरने तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी मापदंडों को परिमार्जित कर विश्व को देने का है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के इसको स्वीकारेंगे और इसमें प्रगति करेंगे। देवी और सज्जनों, अभी हाल ही में गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना से ये पुष्टि होती है कि विश्व अब हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इससे आप सभी का दायित्व और भी अधिक हो गया है। आज से हजारों वर्ष पहले चरक संहिता में कहा गया था कि भोजन करने से पहले हाथ पांव व मुंह धोना आवश्यक होता है। ऐसा करने से शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ बीमारी से भी बचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने महामारी से बचने के तरीके भी बताए जो आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित हुए हैं। COVID-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन की रक्षा भी संभव हुई है। देवी और सज्जनों, भारत ने सदैव पूरे विश्व के कल्याण और सुख की कामना की है। हम एक ओर ये चाहते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर विकसित हो, वहीं दूसरी ओर ये भी चाहते हैं कि लोग कम बीमार पड़े, निरोगी रहें और सुखी रहें। हमारा स्वास्थ्य हमारे आहार, व्यवहार और यहां तक कि हमारी दिनचर्या पर आधारित होता है। हमारी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो और औषध से भी पहले हमारा आहार कैसा हो, ये सब कुछ आयुर्वेद में ही बताया जाता है। महर्षि चरक ने तो कहा था कि भोजनम इव भेषजम, अर्थात आहार ही औषध है। मेरे ध्यान में आया है कि अधिवेशन के दौरान आपका पिछले दो दिनों से ये सम्मेलन की कार्रवाई चल रही थी, संचालित अधिवेशन के दौरान संचालित वैज्ञानिक सत्र में आयुर्वेद आहार और स्वस्थ भारत का आधार विषय पर भी विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि इस विचार विमर्श के परिणाम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। देवी और सज्जनों, आज उज्जैन में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन के वर्चुअल लोकार्पण का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। लगभग 20 करोड़ रुपए के इस आधुनिक भवन के निर्माण से आयुर्वेदिक शिक्षण, प्रशिक्षण और उपचार की सुविधाओं को निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा। महासम्मेलन के अधिवेशन और आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन के लोकार्पण पर आज यहाँ आयुर्वेद के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो रहा है। यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र से भी हैं, आयुर्वेदिक शिक्षा से जुड़े लोग भी उपस्थित हैं और अनुसंधान से जुड़े जिम्मेदार महानुभाव भी उपस्थित हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन से देश के लोगों को आप सबसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं और उन अपेक्षाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आयुर्वेद प्रशासन से जुड़े लोगों से ये अपेक्षा है कि आयुर्वेद के संरक्षण और विस्तार के समक्ष उपस्थित नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाए और जन सामान्य में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाया जाए। एक दूसरा वर्ग भी है आपके बीच में, आयुर्वेद शिक्षक। उनसे अपेक्षा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ऐसे योग्य चिकित्सक तैयार किए जाएं जो लोगों को व्यापक तौर पर किफायती उपचार उपलब्ध कराने में अधिक से अधिक अपना योगदान दे सके। और तीसरा वर्ग जो यहाँ से इस सभागार में उपस्थित है, अनुसंधान से जुड़े हुए लोग। उनसे देश के लोगों की अपेक्षा है कि रोगों के उपचार एवं महामारी विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन के माध्यम से आयुर्वेद की पहुंच, प्रभावशीलता और लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। देवी और सज्जनों, हमारे जीवन का परम ध्येय है
सुखी जीवन जीना और दीर्घायु प्राप्त करना। आयुर्वेद इस ध्येय को प्राप्त करने का एक सरल और सुगम उपाय है। मेरी शुभकामना है इस मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी देशवासी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और लंबी आयु प्राप्त करें। धन्यवाद। जय।